वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार छात्रों, मैं हूं विवेक कुमार विद्यार्थी और आप देख रहे हैं कॉमर्स टू। मैं कॉमर्स का फुल कोर्स करवाता हूं, चाहे वो 11th हो, 12th हो, बीकॉम पार्ट 1 हो, पार्ट 2 हो, बीकॉम पार्ट 3 हो, सारे कोर्स मैं करवाता हूं। बस आप एक कमेंट कीजिए, हमारा प्रयास होता है आपकी कमेंट का समय के साथ जवाब देने का। चलिए आज हम बात कर रहे हैं, अभी जो हम बना रहे हैं वीडियो वो है हायर परचेज सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 12 है, 11 तक हमने बना दिया है। 12 में क्वेश्चन करा है, जो हेडलाइन है वो है बैक विधि से ब्याज एवं रोकर मूल्य ज्ञात करना। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कैश प्राइस नहीं दिया हुआ है, आपको जो है ना क्या करना है, कैश प्राइस निकालना है। इंस्टॉलमेंट दिया हुआ है, तो जब क्वेश्चन में कैश प्राइस नहीं दिया रहे और आपको इंस्टॉलमेंट दिया रहे और बैक मेथड से क्वेश्चन में कहा जाए कैश प्राइस निकालने के लिए, तो हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, तो इसमें क्या करते हैं, लास्ट इंस्टॉलमेंट लेते हैं, लास्ट इंस्टॉलमेंट, ठीक है ना। क्वेश्चन कहता है 10,000 की वार्षिक किस्तों में कुल कितना किस्त है 5 वर्षों में, जिसका भुगतान 5 वर्ष में किया जाएगा, मतलब 5 किस्त है। तो ये पांचवा किस्त ये हो गया 10,000। इसका फॉर्मूला होता है लास्ट इंस्टॉलमेंट इनटू रेट बटे 100 प्लस रेट। ऐसा करने से क्या होता है, लास्ट इंस्टॉलमेंट का ब्याज निकल आता है, ठीक है ना। इसको आप गुणा भाग करेंगे, ये हो जाएगा 384 रुपया 62 पैसा, अप्रोक्स लेके आप 385 कर सकते हैं। लास्ट इंस्टॉलमेंट कितना है, सॉरी इंस्टॉलमेंट 10,000 है, माइनस कर दो इसमें 385, ये माइनस करने से ये हो जाएगा 9,615। ये जो है लास्ट इंस्टॉलमेंट का कैश प्राइस कहलाएगा, कैश प्राइस कहलाएगा, ठीक है। ये इंस्टॉलमेंट है, अब चूंकि हमको बैक मेथड से निकालना है, लास्ट ये पांचवा है, 5 के बाद 4 होगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 4th इंस्टॉलमेंट, ठीक है ना। तो 10,000 तो रहेगा ही रहेगा, प्लस इसमें क्या है कि ये जो आपका बैक मेथड से क्या करते हैं, इससे पहले जो आपने निकाला हुआ है कैश प्राइस, उसको हम ऐड कर लेंगे 9,615, जितना होगा गुना 4 बटे 100 प्लस 4, रेट बटे 100 प्लस रेट, ये फॉर्मूला होता है। तो ये हो गया 10,19,615 गुना 4, 4 से आप काट सकते हैं, 4 दूना 8, 4 6 24, 1 बटे 26, आप इसमें भागा दे दीजिए तो ये हो जाएगा 754 रुपया। फिर ये इंस्टॉलमेंट आपका 10,000 का है, इसमें लेस कर दो 754, तो ये हो जाएगा 9,246। अब बैक आएंगे हम, इसके बाद थर्ड इंस्टॉलमेंट हो जाएगा, तो 10,000 तो फिक्स है, 10,000 तो आएगा ही आएगा, प्लस ये दोनों कैश प्राइस इसमें जुड़ जाएगा, 9,615 प्लस 9,246, 9,615 प्लस 9,246, जितना होगा गुना 4 बटे 100 प्लस 4, इसको जोड़ेंगे हम तो ये हो जाता है, ये तीनों को जोड़ने से, इससे पहले जो है 19,615 19,900, ये हो जाएगा, इसको आप जोड़ लीजिए 19, चलिए यहाँ जोड़ते हैं 10,19,615 में ऐड कर देंगे हम 9,246 9,246, 6 5 11 हासिल, 1 2 4 6 6 2 8, 9 9 18 हासिल, 1 2 28,861, ये होता है 28,861 गुना 4 बटे 100 प्लस 4, या फिर 1 बटे, इसको आप 26 कर सकते हैं, इसको आप भाग देंगे तो ये हो जाएगा 1110, ठीक है। किस्त आपका 10,000 है, इसमें लेस कर देंगे इंटरेस्ट 1110, 0 1 9 10, 2 8 10, 2 8 10, 9,800 हो चुके, सॉरी यहाँ भी 8 ही हो जाएगा ना, 8,890 हो जाएगा, ठीक है। फिर आप आइए सेकेंड इंस्टॉलमेंट, तो 10,000 तो फिक्स है, रहेगा ही रहेगा, प्लस इसमें हम तीनों को ऐड कर देंगे 9,615 प्लस 9,246 प्लस 8,890, जितना होगा इसको गुना कर लीजिए 4 बटे 100 प्लस 4, जोड़ के जितना होगा 4 से गुना कीजिए,
और 104 से भागा दीजिए, ऐसा करने से ये हो जाता है 1452। किस्त आपका 10,000 है, लेस कर दो इंटरेस्ट 1452, 2 8 10, 5 1 6, 4 10, 5.5, 5 10, 2 8 10, ये हो गया 8548। फिर आपको लेना है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, ये 10,000 तो रहेगा ही रहेगा, प्लस इसमें क्या करेंगे हम चारों कैश प्राइस जोड़ देंगे हम, तो ये 9615 प्लस 9246 प्लस 8890 प्लस 8548, जितना होगा गुना 4/100 प्लस 4, ये गुना भाग करने से हो जाता है 1781। 10,000 में लेस कर देंगे हम 1781, 10 में से गया तो 9 होगा, 9 यहाँ पर जो 9 में से गया तो सॉरी 9 में से 8 गया तो 1, 2 या 9 में से गया तो 8। अब आप क्या करेंगे सबको जोड़ दीजिए, जो आएगा वो कहलाएगा कैश प्राइस, यदि डाउन पेमेंट रहता तो उसको हम जोड़ देते यहाँ पर, लेकिन नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये होता है 44518, 44518 ये कहलाएगा कैश प्राइस। ठीक है, आइए आगे क्वेश्चन में क्या करने के लिए बोल रहा है, आवश्यक लेजर खाते दिखाइए, 10% की दर से क्रमागत ह्रास भी निकालिए, ये आपका इंटरेस्ट निकल चुका है। ठीक है, आपको निकालना है डेप्रिसिएशन, तो एसेट्स में क्या है, वेस्टर्न कंपनी ने कुछ टीवी सेट्स खरीदा है, टीवी कितना है 44518, इसमें लेस कर दो डेप्रिसिएशन, क्रमागत पद्धति है तो ये घटते से स्वीकृत हो जाएगा, कितना परसेंट है, एक 10% है, ये 10% ये हो जाएगा 44 अप्रोक्स लेके 52 कर देंगे हम, इसको हम घटाएंगे हम तो 268 5611 4 1 5 5 0 0, ये हो जाएगा 40066 का, फिर 10% माइनस डेप्रिसिएशन, तो ये हो जाएगा पॉइंट यहाँ आएगा 4006, इसको हम घटाएंगे नहीं तो ये हो जाएगा 06036, फिर डेप्रिसिएशन, इसी तरह से आपको जो है ना 36060 का 10% आपको जो है 5 साल तक कर लेना है। ठीक है ना, 36006 हो जाएगा, चलिए कर देते हैं हम, 1 2 3 साल तक का कर ही दिए हैं, 4 5 6 4 10 3 1 4 2 6 32454, फिर डेप्रिसिएशन लगा दो इसमें आप 32454 का 10%, ये हो जाएगा 3245। ठीक है ना, इसी तरह से आपको 5 साल तक कर लेना, 4 साल कर दिए 1 साल आप लोग कर लीजिएगा। आगे इसमें बोल रहा है आवश्यक खाते बनाइए, तो हम इसमें 2 खाता बनाते हैं मेनली, इन द बुक्स ऑफ वेस्टर्न कंपनी ए पब्लिक स्कूल, इन द बुक्स ऑफ पब्लिक स्कूल इसमें हायर वेंडर खाता खुलेगा, नाम दिया हुआ है वेंडर का वेस्टर्न कंपनी, ये हायर वेंडर हो गया। अब आप इसमें खाता बना लीजिए, तो पहला एंट्री होता है एसेट सेकंड डेबिट टू हायर वेंडर, वेंडर सीआर में है तो यहाँ पर लिखेंगे हम, डेट दिया हुआ है क्या, डेट नहीं दिया हुआ है, ये आप फर्स्ट ईयर लिख लीजिए यहाँ पर, तो बाय एसेट्स में क्या है, टीवी है, कितना 44518, डाउन पेमेंट कुछ नहीं है, और जैसे ही वर्ष का अंत आएगा तो पहले इंटरेस्ट का एंट्री करेंगे हम, इंटरेस्ट पहला साल 1751 है, ठीक है 1751, फिर यहाँ पर जो है पेमेंट कर दो टू कैश या बैंक, किस्त फिक्स है कितने का 10,000 का, आइए जोड़ते हैं 8 1 9 5 1 6 7 5 12 1 1 2 4 6 46469, 46469, 10,000 घटाएंगे हम तो ये कहलाएगा टू बैलेंस सीडी 36469, फिर सेकेंड ईयर बाय बैलेंस बीडी
बाय बैलेंस बी डी 36469। फिर यहाँ पर इंटरेस्ट करेंगे हम, जैसे एक नंबर बनाए थे आप लोग हायर वेंडर अकाउंट ऐसे ही बना लेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों से सवाल बन जाएगा। आवश्यक खाते में जो हायर वेंडर अकाउंट खोलना होता है, फिर इंटरेस्ट खोलना होता है, फिर डेप्रिसिएशन खोलना होता है, ठीक है ना, फिर एसेट्स अकाउंट तैयार करना होता है। उम्मीद करते हैं कि ये सारे अकाउंट आपसे बन जाना चाहिए। यदि आप लोगों से नहीं बनता है ना, तो आप हमें कमेंट करेंगे, हम उसको बनाकर दोबारा अपलोड करेंगे। वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।